हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ पास्ता बनाने की रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको पास्ता को गर्म पानी में भिगोना है ताकि वो कोमल हो जाए, और जब तक पास्ता गर्म पानी में उबलता है तब तक हम लोगों को प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, गोभी काट के रख लेना है। उसके बाद हम कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके बाद पास्ता को थोड़े से ठंडे पानी में धोना है उसे। उसके बाद हमने पास्ता के लिए जो मसाला तैयार करा है, स्वाद अनुसार हल्दी, मिर्च, नमक, सोया सॉस, विनेगर सॉस को ऊपर से डाल देना है और फिर पास्ता को फ्राई करना है। अब हमारा पास्ता तैयार हो रहा है और बीबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है फॉर टेस्ट। ऊपर से हमने थोड़ा सा धनिया डाल लिया। अब हम उसे पास्ता को थोड़ा सा हिलाएंगे। अब हम हरी वाली चटनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमने हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर, प्याज, धनिया ले लिया है, भुना हुआ जीरा थोड़ा सा टेस्ट के लिए, दोस्तों मिक्सी ने हमें आधे रास्ते में ही धोखा दे दिया और हमारी मिक्सी खराब हो गई है। अब सिलबट्टा ही हमारे एकमात्र सहारा है क्योंकि हमारी दूसरी मिक्सी भी ऑलरेडी पहले से खराब चल रही है। मौसी जी को मेहनत करनी पड़ी, अपने हाथों से पीस रही है सिलबट्टे में चटनी। तो दोस्तों अब हमारा पास्ता तैयार है, मौसी और मैं पास्ता का आनंद ले रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।